FUT और FUE क्या फ़ायदे होते हैं? मेरे हिसाब से फ़ायदे ग्रेड लोअर वाले पेशेंट में भी होते हैं और हायर ग्रेड पेशेंट में भी होते हैं। जैसे ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पेशेंट जिनका फ्रंट का एरिया ये खाली है, उनमें जब अपन कॉम्बिनेशन करते हैं FUT एंड FUE तो FUE से पतले बाल निकालना मुश्किल होते हैं, मोटे मोटे बाल निकलते हैं, तो उनको फिलिंग के लिए, डेंसिटी बढ़ाने के लिए हम पीछे की तरफ यूज़ करते हैं। जब FUT करते हैं पतले बाल निकाल के माइक्रोस्कोप में डिसेक्ट करके निकालना ईजी होता है। वो पतले बाल कहाँ यूज़ होते हैं? हेयर लाइन बनाने में, हेयर लाइन में, क्योंकि सिंगल और पतले बाल ही चाहिए होते हैं, और ये टेम्पोरल ट्राइंगल बनाने में। तो आर्टिस्ट्री और डिज़ाइनिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पतले सिंगल बाल, वो सिर्फ FUT से ही निकलते हैं। दूसरा फ़ायदा जो होता है FUT FUE का, कि ना FUE में ओवर हार्वेस्ट करते हैं जिससे डोना ख़राब हो जाए या डैमेज ज़्यादा हो, ना FUT में ज़्यादा बड़ी स्ट्रिप लेते हैं, छोटी ले लेते हैं, तो FUT के मार्क और भी कम आते हैं। फिर वो ट्राइकोफाइटिक जो क्लोजर टेक्निक है उससे तो मार्क करीब करीब गायब जैसा हो जाता है। लोअर ग्रेड बॉन्डलेस, मान लीजिए कोई 26 साल का 30 साल का इंसान है, ग्रेड 3 बॉन्डलेस है, उसमें ऐसा भी तो हो सकता है 5-10 साल बाद और पीछे का एरिया खाली हो जाए, उसमें भी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े, तब क्या करेंगे? तभी FUT और FUE कॉम्बिनेशन से 4,500-5,000 ग्राफ्ट तक निकाल सकते हैं।